हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा गजब का ट्यूटोरियल है, और इस ट्यूटोरियल को बनाने में आपको बहुत कम समय लगने वाला है। मात्र 5 मिनट का खेल है इस वीडियो का, और 5 मिनट में आप इस तरह का वीडियो बना लेंगे। यानी कि सर्कल में चाहे वो टायर हो चाहे कोई भी गोल, आप सर्कल ले लें और उसमें आप 2 मिनट के अंदर इस वीडियो को एडिट कर लेंगे। बहुत ही आसान है। और दोस्तों मैं जो ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट यूज करूंगा यहाँ पे मैजिकल वाला, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें जिसने नहीं किया है, और आपको वहाँ पे ये इफेक्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पिछली वीडियो का कमेंट्स बैनर का, और जो भी कमेंट्स बैनर निकले भाई उसको आप सपोर्ट करें सभी लोग। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से करता हूँ स्टार्ट, और देखते हैं आज का हमारा लक्की बिनर कौन निकलेगा। तो दोस्तों आज के हमारे लक्की विनर आ चुके हैं CMD सरवन, और मैं इनके चैनल का स्क्रीनशॉट यहां पे लगा रहा हूं। आप लोग इनको जाके भैया सपोर्ट करें, और अगला नंबर आप सबका आएगा, बारी बारी से यहां पे सबका नंबर आने वाला है और मेरे जरिए आपको प्रमोशन किया जाएगा। तो दोस्तों एक दूसरे का हेल्प करना है, क्योंकि आज आप दूसरे का हेल्प करेंगे तो दूसरा आपका भी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों भाई को सपोर्ट करो, और इनके चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप वहां से भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं हमने वीडियो को शूट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे एक साइड में आपको वीडियो शूट जो एडिटिंग से पहले का दिखाई दे रहा होगा, और एक साइड में आपको वीडियो एडिटिंग के बाद का चल रहा होगा। तो इस टाइप से आपको वीडियो को शूट करना है, बहुत आसान है इस वीडियो को बनाना, और इसकी एडिटिंग तो बहुत कम समय में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं एडिटिंग की ओर, काइन मास्टर। तो चलिए दोस्तों हम काइन मास्टर को यहाँ से करते हैं ओपन, क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो लेके क्रिएट करना है, और यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना वीडियो को लेके आना है। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे वीडियो आ गया है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ से हमारा वीडियो, ये देखिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट होगा, तो आगे का ट्रिम लेफ्ट कर देंगे। करने के बाद अब यहाँ पे हमने लास्ट में आना है पहले, तो बीच बीच में हमें कटिंग भी करनी है, तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट में जाके पहले क्वालिटी को मैनेज कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है इस टाइप से। ऐसे आप एडजस्ट कर लेंगे हल्का हल्का, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। हल्का एडजस्ट करने के बाद अब आपने देखो यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही आसान है इस वीडियो को बनाना। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा पहला बंदा इस सर्कल में आया ऐसे किया, यहाँ पे आपने क्या करना है कैंची में जाके स्प्लिट कर देना है, और स्प्लिट करने के बाद जैसे बंदा बाहर चला गया फ्रेम से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्रिम लेफ्ट कर देंगे, यानी बीच का पार्ट निकल गया। अब हमने जैसे हमारा नेक्स्ट करेक्टर आएगा, ये देखिए ये हमारा जैसे हमने जंप किया, ये हमने जंप किया, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, और यहाँ पे जैसे हम फ्रेम से बाहर हो गए, तो यहाँ से अब हमने यहाँ से नहीं, अब हमने करना क्या है सेकंड करेक्टर हम दोबारा से हम फिर लोग आएंगे फ्रेम के अंदर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से ट्रिम लेफ्ट करेंगे, यानी इतना पार्ट निकालेंगे। तो ये हमारा कटिंग का काम हो गया। अब हमने ये यहाँ पे पंच किया, और ये हमने जंप किया, जंप करने के बाद जैसे हम दोनों यहाँ से करके अब ऐसे हम यहाँ से चले, तो यहाँ से हमने ट्रिम राइट कर देना, यानी कि हमारी होगी सभी ऑल कटिंग। अब हमने स्पीड में जाना है, इसकी स्पीड बढ़ाना है, इसकी लास्ट वाले पार्ट की हमें 1.5 कर लेना है स्पीड, और इसकी स्पीड आप चाहो तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। चलो हम इसका भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, 1.1 कर लेते हैं, ज़्यादा हमें स्पीड नहीं करनी है, और इसका भी हमें आगे वाले का भी स्पीड कर लेना है 1.1। ये हमारी स्पीड और कटिंग फाइनली काम हो गया है। अब हमने करना क्या है देखो, अब आपको वीडियो के एंड में आ जाना है, जो आपने पहला पार्ट कट किया है इसके एंड में आना है। आने के बाद यहाँ पे आपने लेयर में जाके वो वाला इफेक्ट ले आना है, जादू मैजिकल वाला, तो हम वो लेके आ जाते हैं। अभी देखिए हमारा ये इफेक्ट आ गया है, तो अब हमने करना क्या है, जैसे यहाँ से हमारा इफेक्ट स्टार्ट, तो हमने यहाँ पे आगे का इतना कर लेना है, यानी इसकी लेंथ पहले यहाँ तक करनी है। करने के बाद अब हमने इसको एंड में आके यहाँ पे इतना कर लेना है, ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब हमने बीच में आना है, इसके बीच में आना है, यहाँ पे ये यहाँ पे आना है, जैसे यहाँ पे हमारा इफेक्ट दिखाई। अब यहाँ पे हमने चले जाना है क्रोमा की में, यहाँ पे क्रोमा की में जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे, और इससे सबसे पहले इसकी हम क्रोमा की को निकालेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे साइज यहाँ पे, और इसको यहाँ पे सेट करेंगे, और यहाँ पे हमने हल्का हल्का एडजस्ट कर लेना है इस टाइप से। ये हमारा देखिए इस टाइप से एडजस्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पे जैसे हम जंप करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको ले जाके मैच करना है केवल, तो यहाँ पे हम ऐसे मैच करेंगे,
और यहाँ पे साइज को मैच करेंगे और दोनों चीज़ को हमें मैच करना है। यहाँ पे अभी हमने इसको एडजस्टमेंट में जाना है क्योंकि ये अभी ठीक से वर्क नहीं करना है, तो एडजस्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आपको वैलिब्रेशन मिलेगा तो इसको आपको कम करना है और ये टेम्परेचर इसका और कम करना है। इस टाइप से आपको कर लेना है, इस टाइप से इसको एडजस्ट करना है, आपने अच्छे से एडजस्ट करना है। इस टाइप से आप इसको हल्का हल्का एडजस्ट करेंगे। ऐसे एडजस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये हमारा इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बार और प्ले करके देखते हैं सीख से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा इस टाइप से बन गया। अब इस पे नीचे पे आना है, इसको पहले स्पीड थोड़ा बढ़ा लेंगे, इसकी स्पीड हम कर लेंगे थोड़ी 1.5 कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा जल्दी दिखाई दे। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। ये देखिए इस टाइप से हमारा बन गया। इसको मैच करना है थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये हमारा इस टाइप से हो गया। अब हमने करना क्या है, इसी पे क्लिक करना है और इसको थ्री डॉट में जाकर डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेना है, हमारा नेक्स्ट करेक्टर आएगा तो इसको हमने यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको भी देखो हमारा मैच होगा, नहीं होगा तो मैच करेंगे। ये भी हमारा ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपका पैर दिखाई दे रहा है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे पैरों के ऐसे, जिससे हमारा पैर और दिखाई ना दे। और इसका साइज हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, कम कर लेंगे इसका साइज हल्का सा। कम करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे सेट कर दिया। अब आप इसको प्ले करके देखोगे तो आपका स्टेप से दिखाई देगा। तो ये देखो वीडियो आपका बड़ा आसान था, वीडियो को बनाना बहुत ही सिंपल वीडियो है ये, और मात्र 5 मिनट लगेंगे आपको इस वीडियो को बनाने में। तो इस टाइप से आपका वीडियो बनके रेडी हो गया। अब आपने इसमें करना क्या है, केवल म्यूजिक ऐड करना है, और म्यूजिक आप अपने हिसाब से फनी म्यूजिक कोई भी अच्छा म्यूजिक इसमें ऐड कर लें। वीडियो आपका बनके फाइनली रेडी हो। तो आई होप दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन, आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा और आप आराम से इस वीडियो को बढ़ा लेंगे। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी VFX ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।